निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री इस समय हमारे पास संजय निषाद जी मौजूद हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर अभी निषाद पार्टी की क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, क्या कुछ तैयारी चल रही है सर, क्योंकि लोकसभा चुनाव नज़दीक है, सभी पार्टियाँ तैयारी कर रही हैं और जनसंपर्क कर रही हैं, जनता के बीच में थे, तो इस बार निषाद पार्टी की क्या कुछ तैयारी है? देखिए, निषाद पार्टी के साथ 39 पार्टी NDA के साथ हम लोग आज के कुछ महीने पहले बैठक हुई थी और हम लोग सामूहिक रूप से तय किए थे कि हम लोग अलग अलग नहीं, NDA के साथ मिलकर हम पूरे प्रदेश देश में चुनाव लड़ेंगे और हम 404 पार NDA की सरकार होगी। तय हुआ कि मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना, उन्हें प्रधानमंत्री बनाने के लिए सारे कवायद है और उन्होंने भी वादा किया कि हम अर्थव्यवस्था को 5वें से 3रे नंबर पर लाएंगे, फिर से भारत को ताकतवर विश्व गुरु बनाएंगे और फिर जनकल्याणकारी नीति हो, तो वहाँ हम लोगों ने उस प्रस्ताव को पारित किया और आज के दिन में हम लोग उत्तर प्रदेश के सभी सीटों पर जहाँ मछुआ बाहुल हैं वहाँ उनके लिए हम जो नीति बनाए हैं उसको लेके हम जा रहे हैं। जो उनके लिए मछुआ कल्याण कोष की स्थापना भी की है, 9 तारीख को उसका शासन आदेश जारी करा है कि उनके लिए इलाज, हम उनके पास आयुष्मान भारत कार्ड नहीं होगा उसे 5 लाख रुपए तक का हम इलाज कराएंगे, उनके दैविक आपदा के लिए 5 लाख रुपए, उनके जो है मकान जो है जिन मछुआरों के पास मकान नहीं है और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री उस आवास योजना में नहीं बना है तो इसको हम सीधे बनाएंगे, उनके महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सीधे हम एक माता सुकेता जो निषाद राज की माँ थी उनके नाम से एक हम लोगों ने केज कल्चर सिस्टम किया है कि बड़े बड़े जो डैम हैं उसमें हम महिलाओं को सीधे केज दे रहे हैं और सीधे जलाशय में जलाशय मान के उनको हम बच्चों को उनको स्किल डेवलपमेंट के लिए हमने लगभग अभी लगभग 70 लड़के हर साल जाएंगे दूसरे प्रदेशों में और जाके वहाँ से सीख के आएंगे, पढ़ के आएंगे कि वो फिर से ज्ञानवान और देंगे अनुदान लेके धनवान बनेंगे। तो ऐसे ढेर सारी 12 परियोजनाओं को उसने प्रधानमंत्री संपदा योजना में पहले पिछली कांग्रेस ने 67 साल में 3000 करोड़ रुपया दिया। निषाद पार्टी कितनी सीटों पर इस बार चुनाव लड़ने वाली, क्योंकि लोग हम लोग ग्राउंड पे जाते हैं तो लोग पूछते हैं कि निषाद पार्टी को, क्योंकि आपको लोग मुख्यमंत्री के रूप में आने वाले भविष्य में आपके समाज के लोग देखें। देखिए, हम लोगों ने देखिए पार्टी का जो मूल उद्देश्य है कि किसी तरीके से निर्बल सबल हो जाए, तो आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी के साथ हम लोगों ने तय किया कि उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ना है और निश्चित रूप से हमारे पास 40 निषाद बाहुल सीटें हैं इसमें से हम विशेष रूप से 40 पर हमारे तरफ से जीत सुनिश्चित होगा। अब बड़े भाई की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी है और निश्चित रूप से वो बुलाते हैं समय पर, वो सीट देते हैं और हम जीत देते हैं। जो भी सीटें देंगे आपको मंजूर है? निश्चित रूप से हम लोग उनको मांगते हैं कि कौन कौन सीटें आप जीत सकते हैं देते हैं और उनके पास सिस्टम है, भारतीय जनता पार्टी निषाद पार्टी दोनों मिलकर लड़ते हैं और फिर उसको जीत में हम बदल देते हैं। अच्छा, किसानों के मुद्दे पर लेकर विपक्ष हमलावर है आप लोगों के ऊपर, NDA सरकार के ऊपर, कह रहे हैं कि मोदी सरकार सुन नहीं रही, MSP पे कानून नहीं बना रही, तो क्या इस पे है? क्योंकि लगातार किसान वहाँ बॉर्डर पे डटे हुए हैं और तमाम तरीके की मुसीबतों का दिक्कतों का सामना हो रहा है, तो विपक्ष इस पर बुरी तरीके से हमला, और आप किसानों को लेकर क्या सोचते हो, क्योंकि आप जमीनी नेता हैं, किसानों से जुड़े रहे हैं, तो ऐसे में आपकी क्या राय है किसानों को लेकर? हमारी सरकार किसानों के साथ खड़ी है, इसीलिए तो किसानों को सम्मान निधि सीधे खाते में दे रही है, उनके लिए आय दुगनी करके सब्सिडी है, बीमा है, हर क्षेत्र में काम कर रही है मंडी और जितना भी हो सकता है। आज के दिन में हम हमेशा रेट, अभी किसान का जो दिल्ली मिल है बंद होता था, हमने स्टार्ट किया किसानों का भुगतान किया, जो भी उनकी छोटी मोटी समस्या होगी वो दूर होगा, लेकिन ये राजनीति कारण इलेक्शन से पहले ये पार्टियां करती रहती हैं और किसानों का दुरुपयोग करती, तो आज हमारी सरकार किसानों के साथ खड़ी है और निश्चित रूप से समय आने पर जल्दी उनकी समस्याओं का समाधान। मानते हैं कि जो किसान वहाँ पे वो राजनीतिक कारण है, क्योंकि वो जानते हैं कि BJP को रोक पाना असंभव है, तो इसलिए इस तरीके का कार्य किया? निश्चित रूप से किसान आज के दिन में गाँव में है, किसान अपना खेती कर रहा किसान है, वो कुछ निश्चित रूप से ये नेता हैं जो पार्टियाँ विपक्ष के पास कुछ बचा नहीं है तो वो किसानों को लेकर आंदोलन में आ जाते हैं और सरकार की छवि को खराब करते हैं। ब्रेकिंग सेरेमनी को लेकर आपकी क्या राय है? सरकार कह रही है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स यहाँ पर जमीन धरातल पर उतारे जा रहे हैं। अगर इन्वेस्टर नहीं आए होते तो आज उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश कैसे बढ़ता, हम आर्थिक जो हमारी जो विषमता कैसे दूर होती है, आर्थिक संपन्नता आई है, हम अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश स्थान प्राप्त किया है, तो ये चीज़ें तभी है संभव है जब हमारे पास इन्वेस्टर आए हैं और अभी इन्वेस्टर आएंगे, इसलिए इस सेरेमनी का हम स्वागत करते हैं और निश्चित रूप से धरातल पर आकर उसमें जनता को पता चले कि हमने क्या किया है, कितना काम किया है और उन व्यापारियों को भी सम्मान मिले और व्यापारियों के लिए भी जो हमारी सरकार कर सकती है, जो कानून नीति है उसके बारे में
आदान प्रदान होता है। उत्तर प्रदेश के जो मुख्य विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी, वो लगातार ट्वीट करती रही बेरोजगारी को लेकर, तो इससे क्या कुछ संभव है कि रोजगार पनपेंगे? क्योंकि योगी जी ने कहा है कि 1.32 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा इससे। वो कह रहे हैं कि हमारे युवा आज इतने मजबूर हो गए हैं कि वो इसराइल जाने के तैयार हैं, जहाँ युद्ध चल रहा है, लगातार उनकी जान की भी सुरक्षा नहीं हो रही वहाँ, तो ऐसे लोग पैसे के लिए जा रहे हैं जबकि बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में अपने चरम पर है। निशंक जी, निषाद का क्या सोचना है इस मुद्दे पर? जब इन लोगों की सरकारें थी तो कितने रोजगार दिए थे, ये दिखना चाहिए ना कि हमारी सरकार थी 5 बार तो हमने इतना रोजगार दिया, इनकी सरकार थी इतना कम दिया रोजगार। इनकी सरकारें थी केंद्र में इनके सहयोग से चल रही थी, तो कोरोना काल में आपने देखा होगा कि किस रूप से लोग पैदल आते थे बम्बई दिल्ली गुजरात से। आज के दिन में हमने वही आज के दिन में इनको दे दिया, तो जो 70 साल की बिगड़ी हुई व्यवस्था धीरे धीरे हम लोग काम कर रहे हैं। अब भारत में स्वतंत्रता है, कोई आदमी कहीं जा कर कमा सकता, कहीं और कर सकता है, ऐसा नहीं है। हम रोजगार के साधन दिए हैं। आज के दिन में ठेले वाले को भी हमने बिना आधार का, बिना किसी गारंटी के आधार कार्ड के आधार पर उसे अपने पैसा देना शुरू किया। निषादों के लिए भी हमने किसान क्रेडिट कार्ड दिया कि अगर उसके पास कुछ नहीं है, वो काम करना चाहता तो बिना गारंटी के 1,60,000 रुपये मिलेगा, और उस पर जो 7% ब्याज में 3% केंद्र 4 हम दे रहे हैं, तो इस तरीके से उनको हम सहायता दे के रोजगार कर रहे हैं। तो धीरे धीरे ये जो खाई थी लंबी, उसको हम धीरे धीरे ख़त्म करें, और उसमें ढेर आपने तो पहली बार है जो गरीबी से बाहर आए हैं, और रोजगारों का संख्या, बेरोजगारों की संख्या घटी है, रोजगार के साधन बढ़े हैं। चुनावी बांड को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया, कहा कि नहीं चुनावी बांड को निरस्त कर। अब सुप्रीम कोर्ट हमारी कोर्ट है, उसके न्यायालय का स्वागत है। लोकतंत्र में कार्यपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया, ये सब हैं, तो आज के दिन में सभी पार्टियों के पास बांड है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि एक पार्टी की बांड है, एक पार्टी की नहीं है, तो सामान्य नागरिक के लिए आदर है और उसका हम स्वागत करते हैं। सबसे लास्ट सवाल आपसे ये है कि आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी की उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर रही है, तो आप लोग कैसे देखते हैं? लोग कह रहे हैं कि उनके पार्टी कांग्रेस के नेताओं से हमारी बात हुई, वो कह रहे हैं कि बीजेपी डरी हुई है हमारे भारत जोड़ो न्याय यात्रा से, निषाद पार्टी डरी हुई है, एनडीए में जितने लोग गठबंधन में सारे लोग डरे हुए हैं। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? क्या वास्तव में बीजेपी डरेगी इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा से, या भारतीय जनता पार्टी का एक जो अपना वोट है जमीनी स्तर पर जो मजबूती के साथ चुनाव लड़ती रही, वो उसी तरीके से वो फिर से लड़ेगी वो चुनाव? जो आप कह रहे हैं कि 400 सीट हम इस बार जीतेंगे और जीतेंगे, चुप रहते कांग्रेस वाले तो उनकी गलतियां छुप जाती है। पिछले बार न्याय यात्रा निकाला था तो कई राज साफ हो गए, उसके हाथ से चले गए, कुछ बचा नहीं है। हम तो पूछते हैं उनसे कि जब कांग्रेस की सरकारें थीं तब लोग कहते थे कि हमने जिता के लाया, हमें मुख्यमंत्री बना दो, हमने कैबिनेट मंत्री बना दो, और नतीजा क्या हुआ कि अब जब उनसे कुछ जातियां हट गईं, हमारे जैसे लोग निषाद 18% अलग हो गए, देखा धोखेबाजी, तो अब क्यों नहीं कांग्रेस आ जाती? अब कांग्रेस का कुछ बचा नहीं है, जनता ने तय कर रखा है कि यह लोग अन्याय ही है, और अब न्याय यात्रा मोदी जी की है विकास के साथ। विकास चाहिए लोगों को, विश्वास चाहिए, सुरक्षा चाहिए, समृद्धि चाहिए, जो एनडीए दे रही, इसलिए इन लोगों से दूरी बना, इनके पास और इस तरह के कार्य करने के अलावा कुछ बचा नहीं है, इसलिए जनता ने हमारे साथ है, और सारी जाति सभी धर्म के लोगों के लिए काम किया, इसलिए एक ऐतिहासिक जीत होनी है। पीडीए क्या है? पीडीए अखिलेश यादव पीडीए पे लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, पीडीए की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आएगी तो पीडीए को और मजबूती मिलेगी। पीडीए को आप कैसे देखते हैं इस पूरी यात्रा को अखिलेश यादव के जो निकाले? समाजवादी पार्टी का काम है कि पीडीए के नाम पर उनका वोट लो और दलित अल्पसंख्यक उनको मूर्ख बनाओ, और जब मौका आए राजनीति में उनकी भागीदारी देने का तो पीडीए को भूल जाओ। और हम लोग बिना कहे आज पीडीए का गुलदस्ता किस तरीके से मोदी जी ने सजाया है, वो आप इसी राज्यसभा के चुनाव में देख सकते हैं कि हर तो निषाद भी है उसमें, जो है मौर्या भी है, जाट भी है, हर व्यवसायी भी है, तो हर जाति के लोग उसमें है, महिला भी है, तो हवा मानते हैं आप पीडीए को? निश्चित रूप से हम करके दिखाते हैं और खाली कहते हैं। तो ये थे निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद, जिन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी। कैमरा पर्सन हरीश तिवारी के साथ मैं संजय पांडे, TV24 नेटवर्क, लखनऊ।